Hello students, today we are going to study about Mendeleev's periodic table. I am Archana Ninave, welcome all of you in today's video. So let's start now. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं Mendeleev periodic table. सबसे पहले आपको थोड़ा सा Mendeleev का introduction दे देती हूँ. Mendeleev जो थे वो Russian scientist थे और वो St. Petersburg University में professor थे. उस समय ड्यूरिंग द पीरियड 1867 टू 1872 में मेंडेलीव ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. उस समय उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. तो उस समय तो 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी. तो उन्होंने ये सभी एलिमेंट्स ताश के पत्तों के जो वैसे जो कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स पर एक एक एलिमेंट को पुटअप किया. इस ऐसे जो कार्ड्स थे ऐसे कार्ड्स पर 63 एलिमेंट्स को उन्होंने लिखा. उन्होंने ऑब्जर्व किया हर एक का एटॉमिक मास नंबर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने ऑब्जर्व की और जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक के नीचे एक वो इस तरह से प्लेस करते चले गए और उस हिसाब से एलिमेंट को क्लासिफाई किया उन्होंने. तो वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया. फॉर एग्जांपल हमको पता ही है कि डोबेरियनस ट्रायड है जिन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था और उनको भी उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया था. उसी उनके बाद आए न्यूलैंड्स. न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेव्स बनाए और उन्होंने 8-8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. तो उन्होंने क्या शो किया था कि फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम है. उसी तरह उनके बाद आए मेंडेलीव. मेंडेलीव ने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज किया था लेकिन उन्होंने रिलेशन देखा था. ही ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक मास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. तो उन्होंने 3 चीज़ें ध्यान में रखी, एटॉमिक मास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. He observed the relation between atomic mass, physical and chemical properties of the elements. तो physical इसमें हम देखेंगे कि atomic mass क्या होता है. The mass of one atom of an element means the atomic mass. इसकी definition क्या होगी? The mass of one atom of an element. किसी element का one atom का अगर हम mass ले लेते हैं तो उसे हम atomic mass कहेंगे. Atomic mass. The mass of one atom of an element. Element का कोई भी एक element का एक atom का mass मतलब atomic mass होता है. तो वैसे atom वैसे भी बहुत ही small and light in weight होते हैं. तो स्मॉल होने के कारण तो वो उन्हें हम अपने आँखों से देख भी नहीं सकते हैं. तो फिर किस तरह से उनका एटॉमिक मास फाइंड किया जाए? तो उस समय तो फिर उन्होंने AMU ये कॉन्सेप्ट उस समय आया था. वैसे तो SI यूनिट ऑफ मास होता है kg, लेकिन एटम जो बहुत स्मॉल एंड लाइट होने के कारण उनका मास AMU ये कंसीडर किया गया और यूनिट में कंसीडर करते हैं AMU. AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट. अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करना होता है तो उसका ये यूनिट होता है AMU. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं तो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU. इसी तरह कार्बन का होता है 12 AMU. अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. केमिकल प्रॉपर्टीज मींस हाउ एन एलिमेंट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स. अगर कोई भी एलिमेंट्स है वो किसी अदर एलिमेंट के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है उसके लिए मेंडेलीव ने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट चूज किए थे क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स है. तो रिएक्टिव एलिमेंट्स होने के कारण वो किसी भी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ले लिया था. हम उसको एक एग्जाम्पल से शो करेंगे. जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम जिसका सिंबल Na होता है, पोटेशियम
पोटेशियम के सोडियम और हाइड्रोजन अगर कंबाइन होते हैं तो सोडियम हाइड्राइड फॉर्म होता है, उसी तरह सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर सोडियम ऑक्साइड्स फॉर्म होता है, उसी तरह पोटेशियम के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होकर पोटेशियम हाइड्राइड फॉर्म होता है, और उसी तरह K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड्स। इसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे एलिमेंट्स को R से डिनोट किया जाता है और हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के लिए है RH एंड R2O। ये कुछ जनरल फॉर्मूलेज आपको आपके पीरियोडिक टेबल में नंबर 18 पर आपको पीरियोडिक मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसमें अगर आप टॉप पर जाओगे तो आपको ये फॉर्मूलेज दिखेंगे। और H मतलब होता है हाइड्रोजन एंड O मतलब होता है ऑक्सीजन, उसी तरह R ये डिनोट करता है एनी एलिमेंट्स के लिए होता है, तो आपको ये शो किया जाएगा। तो सोडियम से सोडियम हाइड्राइड एंड O से ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड्स, उसी तरह पोटेशियम हाइड्राइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स फॉर्म हुए हैं। सो मेंडेलियन ऑर्गेनाइज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मेंडेलियन ने अपना पीरियोडिक टेबल जो था वो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अरेंज किया हुआ था। उन्होंने हाइड्राइड एंड ऑक्साइड्स के फॉर्मूलेज जो थे वो ग्रुप करने के लिए, एलिमेंट्स के ग्रुप बनाने के लिए यूज़ किए हुए थे। यू कैन सी दीज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल इन योर टेक्स्ट बुक। मेंडेलियन फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर डेफिनेट इंटरवल, मतलब उन्हें मेंडेलियन का ये जो लॉ था वो किस बेसिस पर था कि मेंडेलियन को ये ऑब्जर्व हुआ जब उन्होंने अपने पूरे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, तो उन्हें ये ऑब्जर्व हुआ कि एक फिनिट इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, तो उसके ऊपर से उस बेसिस पर उन्होंने अपना एक लॉ फॉर्म किया था मेंडेलियन पीरियोडिक लॉ। मेंडेलियन पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये रिपीट हो रही है, ये उनको शो हुआ। तो अगर आप मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में देखते हो द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स, मतलब वर्टिकल जो लाइंस आपको दिख रही है ने ग्रुप्स कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल रोज जो है इस तरह से आपको दिखाई देगा वो टेबल। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल कॉलम्स जो है वो होते हैं ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, वर्टिकल कॉलम को हम कहेंगे ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज को कहेंगे हम पीरियड्स। यहाँ पे और ऊपर में यहाँ पर उन्होंने R2O, RO इन फॉर्मूले से एलिमेंट्स की ग्रुपिंग फॉर्म की है। अगर आप क्लोजली मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो आपको वहाँ पर कुछ वैकेंट प्लेसेस भी मिलेंगे, वैकेंट मतलब एम्प्टी प्लेसेस मिलेंगे। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल, सो लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल। तो उसके कुछ मेरिट्स थे, आप अगर पीरियोडिक टेबल में अगर ध्यान से देखते हो तो वहाँ पर कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़ी गई हैं। तो वो वैकेंट प्लेसेस एम्प्टी प्लेसेस किस लिए उन्होंने शो किया था, तो एक्चुअली उस टाइम में जो एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स अवेलेबल थे उनकी डिस्कवरी जो हो चुकी थी, तो उन एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से अरेंज किया था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो थे वो दो एलिमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस आ रहा था। तो उसने ये थिंक किया था उस समय कि हो सकता है कि ये जो एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है इसके बाद और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट्स था उसका एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर था, तो इसीलिए उन्होंने कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े, ताकि उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे एलिमेंट की डिस्कवरी हो जो इन दो हेवी एलिमेंट्स के बीच में प्लेस हो जाए। उनका ये प्रेडिक्शन फ्यूचर में सही साबित हुआ, तो उन्होंने पहले ही उन जो वैकेंट प्लेसेस थी वहाँ पर उन्होंने कुछ वो स्थान खाली रखने के बजाय वहाँ पर उन्होंने नाम दे दिए थे वो एलिमेंट को, जैसे एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन।
तो एका मतलब संस्कृत वर्ड है, तो संस्कृत वर्ड में एका मीन्स वन होता है। तो फर्स्ट एल्यूमिनियम, तो लेटर ऑन बाद में बहुत साल बाद जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो मेंडेलीव का जो प्रिडिक्शन था वो सही साबित हुआ, और सही में उन्होंने पहले ही उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट की हुई थी। उनको उनका ये अंदाज़ा था कि सही में इस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यही होना चाहिए, और बाद में जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी तो वो एलिमेंट्स थे गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। ये एक उनका मेरिट्स था। सेकंड मेरिट जो था वो था एलिमेंट्स विद ग्रेटर एटॉमिक मास प्लेस बिफोर द एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मास, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर था उनको जो लोअर एटॉमिक मास नंबर के पहले ही प्लेस किया गया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकेल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास नंबर है 58.93 एंड निकेल का एटॉमिक मास नंबर है 58.71। तो जबकि निकेल का एटॉमिक मास नंबर स्मॉल है तो निकेल को कोबाल्ट के पहले मतलब बिफोर प्लेस किया जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेंडेलीव ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कोबाल्ट के नीचे में जो एलिमेंट्स थे रोडियम एंड इरिडियम उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होने के कारण कोबाल्ट को उनके ऊपर प्लेस किया गया। उसी तरह निकेल के बिलो जो एलिमेंट्स थे पैलेडियम एंड प्लैटिनम इनकी प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण निकेल को उसके ग्रुप में प्लेस किया गया था। तो ये एक मेरिट्स था। थर्ड मेरिट्स था इनर्ट और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मीन्स द एलिमेंट्स विच डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ देयर लो कॉन्सेंट्रेशन एंड द अनरिएक्टिव नेचर इन द एटमोसफियर। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसी की वजह से ये किसी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन एंड अर्गॉन, इन एलिमेंट्स की तो उस समय में डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट करके रखा था कि हो सकता है कि ऐसे एलिमेंट्स भी फ्यूचर में आए, और इन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया था जिसको नाम दिया गया ज़ीरो ग्रुप। तो ज़ीरो ग्रुप में ये सारे एलिमेंट्स अगर आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो ज़ीरो ग्रुप में सारे नोबल एलिमेंट्स नोबल गैसेस वहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इसकी वजह से ये जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई इससे जो पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था क्योंकि इसको सेपरेट कॉलम उन्होंने दिया था। तो ये थे कुछ मेरिट्स मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो जिस तरह से मेरिट्स थे उसी तरह कुछ डीमेरिट्स भी है, मतलब कुछ त्रुटियाँ मतलब कुछ गलतियाँ भी उनके टेबल में निकली थी। तो जैसे हम फर्स्ट लेते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर आप मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई है, जबकि वो रिजेंबल करता है अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 एंड हैलोजन्स ग्रुप 7। ग्रुप 7 में है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और उसी तरह हाइड्रोजन भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो उनसे भी, और हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, फिर भी उनको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मेटल के ग्रुप में उसे प्लेस किया गया है क्योंकि वो उनके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसीलिए उन्हें हाइड्रोजन को उस प्लेस में रखा गया है। उसी तरह वो हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से भी रिजेंबल करता है, तो उसे कोई भी फिक्स पोजीशन हाइड्रोजन को मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई है, इसीलिए ये एक डीमेरिट्स हो गया। सेकेंड है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। अब हाइड्रोजन को तो एक ही बॉक्स दिया गया है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में, और मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं 1, 2 एंड 3 इनको तो सेपरेट बॉक्स में फिर रखा जाना चाहिए था क्योंकि इंक्रीजिंग नंबर है, फिर भी उनको एक ही बॉक्स में प्लेस किया गया है। तो पोजीशन आइसोटोप्स की पोजीशन जो है वो ठीक तरह से उन्होंने शो नहीं की है, तो ये एक गलती हो गई। उसी तरह क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ये क्लोरीन के कुछ आइसोटोप्स हैं लेकिन फिर भी क्लोरीन को भी एक ही बॉक्स में उन्होंने प्लेस किया गया है, तो आइसोटोप्स के लिए प्रॉपर प्लेस उन्होंने शो नहीं की गई है। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। सो देयर आर सम क्वेश्चंस आर गिवन ऑन द बोर्ड,
सो प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स. सब क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और इनके आंसर फाइंड आउट कीजिए और आप अपने कॉपी में नोटबुक में उसे कॉपी कीजिए. इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू वेरी मच.